अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है जरगाम और आप देख रहे हैं साइंटिफिक ऑफिशियल। आज मैं हाजिर हुआ एक नई वीडियो के साथ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कुछ लोग जिनके कंप्यूटर पर एक एरर आता है जिसको कहते हैं फाइल सिस्टम एरर, और मोस्टली ये फ़ोटोज़ ओपन करने पे आता है और फोटो रिलेटेड PNG और JPG फाइल्स को ओपन करने पे आता है। तो इस इशू का एक सिंपल सा सोल्यूशन आज मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको अगर ये इशू फेस करना पड़े तो आप इसको रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं। ये इशू तमाम विंडोज़ के लिए, विंडोज़ 10, विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, विंडोज़ 8, विंडोज़ 11, जितनी भी विंडोज़ हैं उन पर ये सोल्यूशन आराम से अप्लाई हो जाता है। आपने करना क्या है, आपने जिस विंडोज़ बटन को प्रेस करना है या अपनी किसी भी विंडोज़ बार में सर्च पे जाना है और आपने यहाँ सर्च करना है सर्विसेज। यहाँ आपको बहुत सी ऑप्शन आ जाएंगी, आपने सिंपल सर्विसेज ऐप को ओपन कर लेना है या कंपोनेंट सर्विसेज किसी एक को आप जैसे ओपन करना चाहें। आप इसको रन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर भी कर सकते हैं, आप सिंपल ओपन भी कर सकते हैं। तो मैं सर्विसेज ऐप को ओपन करता हूँ। जब आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो आपके पास एक सर्विसेज और लोकल सर्विसेज की पूरी डिटेल आ जाएंगी कि कौन कौन सी सर्विसेज आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर रही हैं। तो आपने करना क्या है, आपने बिल्कुल एंड में आना है और यहाँ पे आपने जाना है विंडोज़ लाइसेंस मैनेजर पे। ठीक है, यह है विंडोज़ लाइसेंस मैनेजर। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कहेगा कि आप स्टॉप या रीस्टार्ट कर लें। आपने करना क्या है, आपने इस पर राइट क्लिक करना है, आपने इसकी जाना है प्रॉपर्टीज़ में। उसके बाद ये आपको बताएगा कि विंडोज़ लाइसेंस मैनेजर सर्विस नेम क्या है, इसका डिस्प्ले नेम क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है और स्टार्टअप टाइप क्या है। आपने स्टार्टअप को देखिए, जैसे कि मेरा मैनुअल पे हुआ हुआ है, अगर आपका एरर होगा तो ये डिसेबल्ड पे होगा। तो आपने इसको ऑटोमेटिक डिले स्टार्ट भी कर सकते हैं, लेकिन बेटर यही है कि आप इसको ऑटोमेटिक पे क्लिक करें। उसके बाद आप क्लिक करें अप्लाई पे, उसके बाद ओके करें। आप इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करने के बाद दोबारा चेक कर लें कि विंडोज़ लाइसेंस मैनेजर की करंट ऑपरेटिंग स्टेटस क्या है। तो वो ये कह रहा है कि ये ऑटोमेटिक है, राइट। इसके बाद आप इस सर्विसेज को क्लोज़ करेंगे, आप जाएंगे अपने पीसी को रीस्टार्ट करेंगे। रीस्टार्ट करने के बाद आप दोबारा किसी फ़ोटो या फोटो रिलेटेड फाइल को ओपन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी और इस तरह आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो ख़त्म होने से पहले एक बार फिर कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुक्रिया।